तो हेलो दोस्तों, मैं हूं शंकर, आप सभी 100 डे के इस न्यू चैलेंजर सीरीज में और एक न्यू वीडियो के साथ में स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा 100 डे का चैलेंजर सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम हर दिन एक न्यू वीडियो दे रहे हैं, जिसमें कि हर एक स्पीकर के ऊपर वीडियो हो रहा है, जिसकी मदद से आपको हर एक स्पीकर के बारे में एक अच्छा खासा जानकारी होने वाला है इस वीडियो से, और इसकी मदद से आप अपने सेटअप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में मदद कर सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत सारे भाई लोग के डिमांड के आधार पर ये वाला वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑडियो टोन के 21 इंच के स्पीकर के ऊपर। बहुत सारे भाई लोगों का 21 इंच का रिक्वायरमेंट अभी चल रहा है, जिस वजह से हम ये वाला वीडियो बना रहे हैं। तो 21 इंच के अंदर यह वाला आपको 2000 वाट के अंदर देखने को मिलता है, जो कि RMS पावर के अंदर देखने को मिलता है, और ये स्पीकर आता है ऑडियो टोन की ओर से। जानेंगे इसे 21 इंच स्पीकर में हमें क्या क्या खासियत देखने को मिलता है, साथ में इसमें किस तरह का क्वालिटी देखने को मिलता है, और साथ में इस स्पीकर का क्या प्राइस है वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखते रहें। तो इस स्पीकर के अगर मॉडल नंबर की बात किया जाए तो इसका मॉडल नंबर है AD21X2002S। बहुत ही डिफरेंट इसका मॉडल नंबर है, और ये वाला स्पीकर 21 इंच के अंदर में आता है, जो कि 2000 वाट RMS पावर के अंदर में आता है। स्पीकर देखने में हमें काफ़ी अच्छा लगता है, ब्लैक कलर के अंदर ये वाला स्पीकर आता है, पूरी तरह से आप इसको ब्लैक कह सकते हैं। इसके चेसी भी ब्लैक है, मैग्नेट में आपको भी ब्लैक देखने को मिलता है, और साथ में इसके कोन वगैरह सारा कुछ इसमें ब्लैक देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे इसके कोन के ऊपर, तो कोन में हमें पेपर का कोन देखने को मिलता है, और साथ में इसके पेपर कोन की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखने को हमें मिलता है इस स्पीकर के साथ में। तो इस स्पीकर की अगर वाटेज की बात करें तो इस स्पीकर का जो वाटेज है वो है 2000 वाट। आप इसको कंटिन्यूसली 4000 वाट के पीक पर इसको चला सकेंगे, तो 4000 वाट के इस पावर में आपको अच्छा खासा बेस और वाइब्रेशन देखने को मिलता है। तो इसमें आपको पावर के मामले में किसी भी तरह का कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑडियो टोन की ओर से आता है, और ऑडियो टोन पावर के मामले में बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और साथ में अगर इसकी कॉइल की बात करें तो इसमें आपको 5 इंची का वॉइस कॉइल देखने को मिलता है, जो कि इन आउट वॉइस कॉइल के अंदर आता है। साथ में इसमें पूरा प्योर कॉपर का कॉइल आपको देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आपको अच्छा खासा इसमें बेस देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे भाई लोगों को एक प्रोफेशनल साउंड चाहिए, तो इस स्पीकर आपको वाला प्रोवाइड करने वाला है। इसमें आपको प्रोफेशनल साउंड क्वालिटी देखने को जरूर मिलेगा, और इसमें आपको अच्छा क्वालिटी का साउंड क्वालिटी भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ इस स्पीकर की अगर इम्पीडेंस की बात किया जाए तो इसका जो नॉर्मल इम्पीडेंस है वो है 8 ओम का। तो इस 21 इंच के स्पीकर में अगर इसकी मैग्नेट साइज की बात किया जाए तो इस स्पीकर के साथ में आपको 280 का मैग्नेट साइज देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी एक बड़ा मैग्नेट साइज है, और साथ में इसमें आपको Y35 ग्रेड का मैग्नेट देखने को मिलता है। Y35 ग्रेड का मैग्नेट काफ़ी ज़बरदस्त चलता है, और इसी के साथ में इस स्पीकर को आप लंबे समय तक चला सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको अच्छा ग्रेड का मैग्नेट देखने को मिलता है। इसकी मदद से आप इस स्पीकर को लंबे समय तक भी चला सकेंगे, आप इसको 5 साल 6 साल और भी लंबे समय तक इसको चला सकेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस ग्रेड के मैग्नेट में आपको स्पीकर पुराने होने पर भी पावर आपको कम देखने को नहीं मिलता है। ये पावर आपका न्यू में जिस तरह से रहता है, आपको पुराने होने के बाद भी पावर उसी तरह से रहेगा। तो वहीं पे इस स्पीकर की अगर सेंसिटिविटी की बात किया जाए तो इसमें आपको 98 डेसिबल से 2 डेसिबल तक आप अपने हिसाब से इसको चला सकेंगे। और इस स्पीकर की अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की अगर बात किया जाए तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमें देखने को मिलता है, तो इसमें आपको 35 हर्ट्ज से लेकर 2.5 GHz तक आप अपने हिसाब से इसको चला सकेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में ज़बरदस्त हमें देखने को मिलता है 21 इंची के अंदर में। और इसी के साथ में इस स्पीकर में हीटसिंक का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। स्पीकर आपका 4000 वाट पीक पावर पर चलने के बाद भी उतना ज़्यादा हीट नहीं होने वाला है, इस वजह से इसका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहने वाला है। तो साथ में इसमें आपको एल्युमिनियम का बास्केट देखने को मिलता है, जो इसमें भी आपको हीटसिंक को थोड़ा कम करता है ये वाला, और जिससे कि आपका स्पीकर लंबे समय तक चलने के लिए एकदम परफेक्ट हो जाता है। और इसी के साथ पूरा ब्लैक कलर के अंदर में आता है स्पीकर, देखने में भी ये स्पीकर एक ज़बरदस्त लुक प्रोवाइड करता है, और इसका डिज़ाइन भी बहुत ही आकर्षक है। इसी के साथ में स्पीकर एक हेवी स्पीकर हो जाता है, जिस वजह से कि अगर वेट की बात किया जाए तो आपको 24.5 किलो का ये वाला वेट हो जाता है इस स्पीकर का। तो आप बात करेंगे इसके प्राइस के ऊपर में, तो इस स्पीकर का जो प्राइस है वो एकदम बजट के हिसाब से परफेक्ट बैठता है, क्योंकि इस स्पीकर का जो प्राइस है वो है 17,500 रुपया। ये एक्सपो में प्राइस था, बट इसका मार्केट में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, जिस वजह से आप इसको 18 तक मान के चल सकते हैं। तो ये स्पीकर 21 इंची के अंदर में एक बजट फ्रेंडली स्पीकर बन जाता है, जिस वजह से आप इस स्पीकर का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारे वाला 100 डे का चैलेंजर सीरीज पसंद आ रहा है, और आपको हर एक दिन एक न्यू वीडियो देखने को मिल रहा है। और आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह से डिजिटल नॉलेज वाले वीडियो लेके आते रहते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।